गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू रिकैप चैप्टर 4 ऑफ साइंस। इन दिस चैप्टर टुडे वी विल लर्न अगेन लिविंग थिंग्स। बच्चों, ये चैप्टर ऑलरेडी हम लोग लाइव क्लास के थ्रू पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर को मैं फिर वीडियो क्लास के थ्रू समझाने जा रहा हूँ लिविंग थिंग्स के बारे में। तो लिविंग थिंग्स पदार्थ जो आप अपने चारों ओर देखते हैं, और लिविंग क्या होता, अ थिंग दैट कैन मूव ग्रो फील, ओके, आर कॉल लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के बारे में भी आप जानते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू कैन सी मैनी थिंग्स अराउंड यू। आप अपने चारों ओर बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो आप अपने चारों ओर देखते हैं। देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अनेकों प्रकार के आप अपने चारों ओर पेड़ पौधों को देखते हैं, पशु को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं। देर आर ऑल्सो ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। और आप अपने चारों ओर नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं, लाइक दैट चेयर है, टेबल है, बॉक्स है। सम ऑफ दिस आर नेचुरल। इनमें क्या है, जो कुछ जो थिंग्स है वो नेचुरल है, यानी ऑलरेडी क्रिएटेड है, गॉड के द्वारा क्रिएटेड है। वाइल अदर्स आर मेड बाई ह्यूमन्स। और कुछ ऐसे थिंग्स है जो मानव निर्मित है, यानी मानव के द्वारा बनाया हुआ है। द सन, मून, रॉक्स, वाटर एंड एयर आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। सन, मून, रॉक्स, वाटर एंड एयर आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ये प्राकृतिक नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ओके। पेपर, क्लोथ्स, कार, टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाई ह्यूमन्स। और ये सारे थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि मानव निर्मित है, हाँ, ओके। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स। अब हम इसकी लिविंग थिंग्स की विशेषताओं को समझें। एक नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे ये अलग है। लिविंग थिंग्स हैव अ फ्यू कॉमन फीचर्स। तो लिविंग थिंग्स का क्यों कुछ जो है कॉमन फीचर्स है, ओके, क्या क्या है। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ऑन, बताया जा रहा है। लिविंग थिंग्स जो है वो खुद ब खुद वो क्या होता है, मूव होता है, ओके। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड्स एंड शेल्टर्स। तो बच्चों, एनिमल्स क्यों मूव करता है, तो अपने फूड भोजन के खोज में और आवासों के खोज में, घरों के खोज में वो क्या होता है, मूव करता है, उसे मूव करना पड़ता है। एंड टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमल्स एनिमीज। और कभी कभी क्या होता है, जो उसे अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी मूव होना होता है, भागना होता है। प्लांट्स डू नॉट नीड टू मूव अराउंड फॉर फूड्स एज दे मेक देयर ऑन फूड, ठीक है। बट प्लांट्स को मूव की ज़रूरत नहीं है, मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो अपना भोजन खुद से प्रिपेयर करता है और उसे मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग्स नॉर्मली डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन। लेकिन नॉन लिविंग थिंग जो है वो क्या होता है, खुद से मूव नहीं होता। जैसे कि अभी आपने टेलीविज़न के बारे में समझा, पढ़ा, कंप्यूटर के बारे में समझा, या क्लासरूम में हाँ फर्नीचर है, वो क्या है, खुद से मूव होता है, नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट ऑफ इस लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। लिविंग थिंग्स की किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हवा, पानी, भोजनों की, ओके। लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए पानी की रिक्वायर्ड है, ओके, भोजन की ज़रूरत है, हवाओं की ज़रूरत है। इफ़ दे डू नॉट गेट दिस, अगर इनमें से एक भी अगर उन्हें नहीं मिला, दे विल डाई, वे मर जाएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड दिस थिंग्स। बट नॉन लिविंग थिंग्स को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्या टेलीविज़न को ज़रूरत है पानी भोजनों का, बिल्कुल नहीं है, ओके। मस्ट प्लांट्स हैव अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। आप अपने चारों ओर जो प्लांट्स देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, तो मोस्टली प्लांट्स आपको किस कलर में रहता है, ग्रीन कलर में होता है। तो प्लांट्स की लीव्स में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल, ओके, जिसके कारण वो दिखने में हरा लगता है। इट हेल्प्स देम टू मेक देयर ऑन फूड यूजिंग सनलाइट। वो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य की प्रकाश का यूज़ करके, यानी सूर्य की रोशनी में उपस्थिति में वो अपना भोजन खुद से प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो सूर्य की प्रकाश किन किन चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है भोजन प्रिपेयर करने के लिए, एक प्लांट्स को भोजन ऑन भोजन प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल थ्रू अ
प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करता है वाटर, सॉइल से मिट्टी से वाटर एब्जॉर्ब किया, सूर्य की रोशनी को टैप किया और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके पेड़ पौधे जो है अपना भोजन खुद से प्रिपेयर करते हैं और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ओके, सो दे ईट प्लांट्स और एनिमल्स फॉर फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज मशरूम डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल। अब देखिए क्या बताया जा रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एक मशरूम डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल, इसमें आपको क्लोरोफिल सब्सटेंस जो है वो नहीं होता है। दे मोस्टली ग्रो ऑन डेड एनिमल्स और प्लांट्स एंड गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। वो मोस्टली जो है मशरूम जो है आपको सरे गले पेड़ पौधे जो होते हैं डेड एनिमल्स प्लांट्स उस पर वो ग्रो होते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिएंट्स को गॉट करते हैं, प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर्स, लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। सेल्स दिया होता है कोशिका, जिस प्रकार से एक मकान को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ब्रिक्स की रिक्वायर होती है और ब्रिक्स पे परत, एक ब्रिक्स पे दूसरे ब्रिक्स डाल करके जिस प्रकार से एक मकान का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से सिमिलरली शरीर का भी जो है निर्माण इस सेल से होता है। ओके, और सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग्स। एक सेल भी क्या है, यह लिविंग पार्ट्स हैं, लिविंग थिंग्स है। द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका शरीर सेल्स से बना हुआ है। मोस्ट सेल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन। और सेल्स अत्यधिक छोटे होने के कारण वो देखा नहीं जा सकता, ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। और इसे आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के हेल्प से आप इसको देख सकते हैं। आवर बॉडी कंटेंट्स मिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों जो है सेल्स हैं अलग अलग प्रकारों के। सम वेरी स्मॉल एनिमल सच एज अमीबा आर मेड ऑफ ओनली सिंगल सेल्स। और कुछ ऐसे एनिमल जैसे कि अमीबा जो है वो सिर्फ सिंगल सेल का बना हुआ है। ओके डियर, तो लिविंग थिंग्स के बारे में आपने क्या समझा, ये लिविंग थिंग्स सेल से बना होता है। ओके, नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। लिविंग थिंग्स जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, ग्रो होता है, इसके शारीरिक विकास होता है और उसमें परिवर्तन आता है। यू लुक डिफरेंट नाउ फ्रॉम व्हाट यू वे लाइक व्हेन यू वेर अ बेबी। बता रहा है, अब आप अभी जो है जब आप जन्म लिए थे, जब आप बच्चे थे उस समय और अभी आप देखने में क्या लगते हैं, आप थोड़ा सा डिफरेंट हैं, अलग हैं। योर हाइट एंड वेट हैव इंक्रीज्ड। और आपके हाइट में और वेट में क्या हुआ, इंक्रीज्ड हुआ। इन अ फ्यू ईयर्स टाइम यू विल बी बिकम एन एडल्ट। और कुछ सालों के बाद आप क्या हुए, बेबी से एडल्ट बन गए। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या होता है, ग्रो होता है और उसमें परिवर्तन होता है, चेंजेज होता है। अल्टीमेटली ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ऑल एंड डाई। इस प्रकार से जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो बढ़ता है, हाँ पुराना होता है यानी ऑल्ड होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। बट नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, वो ग्रो नहीं करता, नहीं बढ़ता है। ओके डियर, नेक्स्ट फीचर्स, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज। देखिए, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज। ओके, लेट्स सी, व्हेन यू फील हॉट, जब आप गर्म महसूस करते हैं तो क्या करते हैं, यू स्विच ऑन द फैन। आप क्या करते हैं, फैन का स्विच ऑन कर देते हैं। बट क्या टेबल चेयर और कंप्यूटर जो है जब गर्म महसूस करता है ऑन करता है, बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ, आप जब माने रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, व्हेन अ डॉग फील्स हॉट, जब एक डॉग जब गर्म महसूस करता है, इट पैंट्स टू कीप कूल, तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए वो तेज़ी से एकदम स्प्लिटी ब्रेथ लेता है। इफ़ यू सी समवन थ्रो अ स्टोन टुवर्ड्स यू, अगर आप किसी को देखते हैं जो एक स्टोन आपके तरफ फेंक रहा है, तो यू डक टू अवॉइड गेटिंग हिट। तो चोट लगने के से आप क्या होते हो, डक होते हो यानी झुक जाते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो। द सेंस ऑर्गन्स एंड एनिमल्स हेल्प देम टू फील चेंज एंड देयर सराउंडिंग्स। इस प्रकार से एनिमल्स के जो सेंस ऑर्गन्स हैं एनिमल्स में, वो उसके चारों ओर, उसके चारों ओर जो चेंजेस हैं उस
उसमें उसको वो पता करता है, यानी वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अपने सराउंडिंग्स के बारे में वो समझता है। ओके, एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, यहाँ तक कि एनिमल्स भी अपने एनवायरनमेंट में, अपने पर्यावरण में परिवर्तन का वो रिस्पॉन्स लेता है, रिस्पॉन्स देता है। ओके, बट नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, कुछ नहीं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगर आप इस पर एस्टॉन भी करो, स्क्रेच भी करो, एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। ओके, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम थ्रू दे डू नॉट हैव अ सेंस ऑर्गन्स। बता रहा है प्लांट्स भी अपने चारों ओर की जो चेंजेज होता है उसमें वो रिस्पॉन्स लेता है, बट सेंस ऑर्गन्स तो नहीं होता। जैसे कि देखिए, ए टच मी नॉट प्लांट, क्लोज इट्स लिप्स व्हेन यू टच। एक टच मी प्लांट्स है, जब आप उसको टच करेंगे तो वो अपने आप को क्या होगा, फोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स दिया, जैसे उसको कुछ फीलिंग हुआ, कुछ परिवर्तन उसको अपने आप में लगा, तो अपने आप को क्या किया, चेंज कर लिया, रिस्पॉन्स दिया। द बड ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट्स मूव टू फेस द सन। अब देखिए, सनफ्लावर के बर्ड जो हैं वो क्या होता है, वो भी रिस्पॉन्स देता है। सूर्य जहाँ जहाँ जिधर जाता है उस डायरेक्शन में वो, उसका भी फेस सूर्य की तरफ रहता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट सेंस चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स एंड कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू देम, बट नॉन लिविंग थिंग्स हाँ कैन नॉट सेंस चेंजेस, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी जो साउंडिंग्स होगा उसमें कोई वो रिस्पॉन्स नहीं देता। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया, सपोज दैट एक कार नॉन लिविंग थिंग्स है, हम उसे बारिशों में छोड़ देते हैं, धूप में छोड़ देते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर आपको क्या होता है, जो अगर अधिक मोस्टली धूप लगता है या धूप लगता है तो आप क्या करते हो, रिस्पॉन्स में क्या करते हो, एक शेड यानी पेड़ के नीचे या फिर अपने घर के आसपास हैं तो घरों में चले जाते हैं, फ़ैन ऑन कर लेते हैं। बट टेबल चेयर को देखिए, आप बारिश में भी छोड़ दो, धूप में भी छोड़ दो, कोई चेंजेस नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता। ओके, ये भी एक फीचर्स है नॉन लिविंग थिंग्स का। एंड लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, नेक्स्ट लास्ट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है, सजीव थिंग्स, वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस, प्रजनन। देखिए कैसे, लाइफ कंटिन्यूस ऑन द अर्थ बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड्स। बता रहा है इस पृथ्वी पे ये जो जीवन चक्र जो है वो लगातार है, बिकॉज ड्यू टू, क्यों, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो अपने जैसा ही एक बेबी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बेबी को प्रोड्यूस करता है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज और बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच बेबीज हैच। एनिमल्स जो है, अब कुछ एनिमल्स जो है अपने बेबी को बर्थ देता, पेट से बर्थ देता, और कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स और स्पोर्स। इस प्रकार से जितनी भी प्लांट्स हैं वो बीज से, उसके बीज से न्यू बेबी प्लांट हो जाता है। सम प्लांट्स इवन ग्रो फ्रॉम स्टेम्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो आपको स्टेम से, रूट से, पत्तों से हाँ ग्रो होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, बट नॉन लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस नहीं करता। ओके डियर, तो दीज आर अ फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये सारे फीचर्स हैं, सॉरी, लिविंग थिंग्स का। ओके डियर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग थिंग्स। चलिए, ग्रुपिंग थिंग्स क्या है, इससे क्या हेल्प होता है। तो व्हाइल असर्टिंग अबाउट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थिंग्स, जब हम किसी भी वस्तु की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं, साइंटिस्ट प्लेस देम इन ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। तो साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया है, जो उसको ग्रुप कर दिया गया है, ठीक है, सिमिलर थिंग्स को, यानी कहने की मतलब अभी आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ रहे हैं, तो लिविंग थिंग्स ने जो थिंग्स आता है उसको एक ग्रुप में कर दिया, यानी लिविंग थिंग्स में कर दिया, और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग ग्रुप में कर दिया, यानी ग्रुप कर दिया जाता है, सो दैट कि स्टडी करने में ईजी रहो। देन दे स्टडी द थिंग्स इन अ ग्रुप, तब वो उस ग्रुप में स्टडी करता है एक साथ। दिस मेक देयर स्टडी ईजियर, इससे क्या होता है, जो उसकी स्टडी जो अध्ययन जो है वो क्या होता है, आसान होता है। ऑल द थिंग्स दैट हैव लाइफ आर प्लेस्ड अंडर द ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स। जितनी भी थिंग्स हैं जिसमें लाइफ है हाँ वो लिविंग थिंग्स के अंदर में कर दिया गया है। एंड ऑल दोज विदाउट लाइफ आर प्लेस्ड अंडर द ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और जो विदाउट लाइफ के, बिना जीवन के, उसको नॉन लिविंग थिंग्स के ग्रुप में प्लेस्ड कर दिया गया है। ओके डियर,
लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप्स। अब देखिए लिविंग थिंग्स को भी दो ग्रुपों में डिवाइडेड किया गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट इन द वे दे लिव, ईट, मूव एंड रिप्रोड्यूस। क्योंकि इसका मूव करने का, खाने का, रिप्रोड्यूस करने का वे जो है वो अलग अलग है। इसलिए लिविंग थिंग्स को भी दो ग्रुपों में, प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया गया है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ग्रुप्स। अब ये दोनों थिंग को भी जो है फर्दर डिवाइडेड किया गया है अलग अलग ग्रुपों में, छोटे छोटे समूह में। यू विल रीड अबाउट देम इन हायर क्लासेस, जो कि आप इनके बारे में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑल थिंग्स, यहाँ पे जितने भी थिंग्स देख रहे हैं, ये ऑल थिंग्स, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी है और लिविंग थिंग्स भी है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, तो लिविंग यानी जिसमें लाइफ है उसको लिविंग थिंग्स के अंदर प्लेस कर दिया, जिसमें लाइफ विदाउट लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में डाल दिया। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें क्या किया। फिर देखिए लिविंग थिंग्स में दो ग्रुप कर दिया गया, प्लांट्स को अलग ग्रुप में डाल दिया गया है और एनिमल्स को अलग ग्रुप में डाल दिया गया है। क्यों ऐसा क्यों किया गया, तो अभी आपने क्या समझा, ऐसा इसलिए क्योंकि खाने का, मूवमेंट का, रिप्रोड्यूस करने का वे दोनों का अलग अलग है। ओके डियर, दिस वे योर चैप्टर 4 हैज़ कम्प्लीटेड। लिविंग थिंग्स के बारे में आपने समझा, इसके फीचर्स के बारे में समझा। ओके, बाय।